राजधानी भोपाल में शिवसेना जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया गया। महाराष्ट्र में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर शिवसेना लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के कड़े शब्दों में विरोध जता रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते अपराध को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के रंग महल टॉकीज के पास महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मांग की महाराष्ट्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा करे, लगातार वहाँ महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। आज शिवसेना भोपाल द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया गया और साथ ही ये जो घटनाएं पिछले 15 दिनों में तीन इतनी बड़ी घटनाएं महाराष्ट्र में घटी हैं। 13 अगस्त को बदलापुर का केस सामने आता है जिसमें दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई या दुष्कर्म हुआ। न्याय मिलना तो दूर की बात है, उनको अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए भी भटकना पड़ा। 20 अगस्त को मुंबई के अकोला में केस सामने आया जिसमें 6 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और 22 अगस्त को मुंबई के नागपाड़ा में ही महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। महाराष्ट्र सरकार किस जगह नंबर वन होना चाहती है, महिला अपराध में नंबर वन हो गई है महाराष्ट्र सरकार। बलात्कार को पेशविक कहा जाता है कि पाशविक कृत्य है, पशु क्रूरता है, लेकिन ये तो पशुओं का अपमान है क्योंकि बलात्कार पशु भी नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए, उन्हें महिला सुरक्षा की जो ढोंग रचा रखा है महिलाओं के लिए, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री और शिंदे जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज शिवसेना भोपाल द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। जिस तरीके से विगत कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, सरकार द्वारा उसकी अनहोनी गई, प्रशासन द्वारा 12 घंटे 15 घंटे उसको FIR की रजिस्टर्ड करने के लिए कहीं ना कहीं इंतज़ार करवाना पड़ा, साथ में वहां पे कहीं ना कहीं जो साक्ष्य थे उसको छुपाने की कोशिश गई। उसके बाद 3 दिन बाद महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में हो जाती है, नागपाड़ा में रेप हो जाता है लड़की के साथ में, उसके बाद में महाराष्ट्र के मुंबई में रेप हो जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं महिलाओं को देख के अब महाराष्ट्र सरकार असंवेदनशील हो गई है। इसलिए शिवसेना मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।